हेलो स्टूडेंट, आर ऑफ आर यू रिसर्च एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 10। आज का टॉपिक चैप्टर टू टॉपिक सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर कंपाउंड मिक्सचर एंड डिफरेंट टाइप होमोजेनियस हेटरोजेनियस कोलाइड्स एंड समथिंग। नाउ टुडे स्टडी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी यूज करते हैं। वी यूज एक्टिविटीज। सपोज दैट टू कंटेनर एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जो कंटेनर है, जो भी कंटेनर है, उसमें आप फिक्स 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर वाटर यूज कर लीजिए। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ए सम सुगर पार्टिकल्स डिजॉल्व इन इट। हमने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स में सुगर को इसमें डिजॉल्व कर दिया। एंड अगेन नेक्स्ट मोर क्वांटिटी, दैट मीन इससे ज्यादा हमने सुगर इसमें डिजॉल्व कर दिया। इंडिकेट किया गया आपको, ये जो डॉटेड पॉइंट यूज हो रहे हैं ये आपके सुगर्स के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सुगर्स पार्टिकल। इसमें आप पार्टिकल क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सुगर एज मॉलिक्यूल का या इंडिकेटेड काउंट की मात्रा में लेस क्वांटिटी मिली है और इसमें क्या है ज्यादा क्वांटिटी यूज किया गया। तो ये इंडिकेट हो रहा है इसका कंसंट्रेशन जो है क्या है लो कंसंट्रेशन में पार्ट का है और इन दिस केस क्या है हाई कंसंट्रेशन का। मीनिंग क्या कहने का इनकम दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हम की अगर वाटर में शुगर सपोज दैट 1 ग्लास ऑफ वाटर हैव यू टेकन एंड 2 स्पून शुगर डिजॉल्व स्वीट होगा कुछ तो कुछ में मीठापन आएगा। ठीक। और उसी वाटर में 1 ग्लास वाटर में आप जो है 5-7 स्पून शुगर उसमें ऐड कर दो। अब उसको ड्रिंक करो, क्या उसमें टेस्ट मिलेगा, ज्यादा स्वीट आपको पता चले, ज्यादा मीठापन दिखाई देगा। दैट मीन्स एग्जैक्ट यही कंसेप्ट है कि इसको हाई कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो है आपका हाई हो गया उसका और जो कम स्वीट दिख रहा मीठा कम मीठा दिख रहा था वो आपका क्या था वह लो कंसंट्रेशन का है। यही कंसेप्ट आपका होता है कंसंट्रेशन। दैट मीन्स किसी 1 लीटर कोई भी आपका लिक्विड हो या वाटर हो उसमें कितना आपने सॉल्यूट डिजॉल्व किया तो ये कंसेप्ट जो होता है वो आपका कंसंट्रेशन होता है। ग्राम पर लीटर, लीटर में हो मिली लीटर में हो या एमएल में हो या किलोग्राम में मास हो उसको डिजॉल्व करो तो जो सॉल्यूशन कंटेन होगा ऑब्टेन होगा वो क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यही कंसेप्ट होता है इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन है उसमें इतनी क्वांटिटी में सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया, कम मात्रा में लेस क्वांटिटी में होगा उसका कंसंट्रेशन लो कहेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में सब सॉल्यूट होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा हाई होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा इस चीज को, सभी लोग घर पे शरबत वगैरह पीते हैं ठीक ठीक करते हैं तो ज्यादा राहत पर हाई कंसंट्रेशन लो ठीक आएगा दैट इज लो कंसंट्रेशन। ठीक है। नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेट मेथड। इसको क्या करते हैं, जो कंसेप्ट दिया गया है परसेंटेज के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है।
इस बात में इट कैन बी बाय मास और बाय वॉल्यूम, दोनों के कंसेप्ट यूज किया है, मास के टर्म में है और वॉल्यूम के टर्म में भी है, ठीक है। इन टर्म ऑफ मास, मास के टर्म इसको कैसे डिफाइन किया है, वॉल्यूम के टर्म में हाउ टू डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस कोई सॉल्यूशन बना है और कहा गया उसमें 100 ग्राम से रिलेटेड है वो परसेंटेज नंबर 100, तो उसमें कितना परसेंट आप यूज किए वो आपका सॉल्यूट हो गया, माइनस कर देंगे हम सॉल्वेंट के टाइम और टोटल ऐड कर देंगे क्या होगा सॉल्यूशन, दैट मींस 10% सॉल्यूशन साइड बाय मास, 10% 5% 20% बाय मास, इंडिकेट है बाय मास, बाय वॉल्यूम तो आपको इंडिकेट है बाय, तो बाय मास के कांसेप्ट में क्या है कि सॉल्यूशन तो आपका 10 ग्राम क्यूब 100% दैट इज 100 सॉल्यूट, ये आपका जो परसेंटेज गिवन है गिवन इन क्वेश्चन व्हिच इज परसेंट ऑफ दैट मींस सॉल्यूट 10% सपोज दैट 5% 5 ग्राम 20% 20 ग्राम समथिंग, सॉल्वेंट क्या होगा सॉल्वेंट 100 माइनस 10% फिर हो जाए 20% आ गिवन सो 80 ग्राम होगा, 80% आ गिवन 100 माइनस 80 समथिंग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो आपका बनता है बाय मास, ठीक है। सो फार्मूला आप गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, ये मास के टर्म में मास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स है फार्मूला लर्न टू लर्न, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वन एग्जांपल कंसीडर अ सॉल्यूशन कंटेन फॉर एग्जांपल 30 ग्राम ऑफ शुगर, कोई सॉल्यूशन है बना है उसमें 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, इसने ग्राम ऑफ वाटर में इसको क्या किया है डिजॉल्व कर दिया गया, ठीक। फार्मूला क्या है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इन 200 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग एग्जांपल्स क्या है सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या होगा 370 प्लस 30 इक्वल टू 400 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों टर्म को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, उसको मिल जाता है सॉल्यूशन। नाउ फार्मूला अप्लाई, तो फार्मूला जो हम यूज करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूट 30 अपॉन या 2500 400 सिंपलीफाई कर दीजिए, ठीक है 30 अपॉन 4 2 से डिवाइड करो 2 50 15 अपॉन 2 दैट मींस 7.5 तो जो परसेंटेज आपका कन्वर्ट हुआ ये आपका फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस कितना, ठीक है इस पार्ट इसका देना। सो न्यूमेरिकल डिफरेंट वेरिएबल चेंजेस एज मास क्या होगा डिफरेंट टाइम में चेंज हो जाएगा तो उसके बाद कैलकुलेशन हम बताएंगे, ठीक है। तो सिमिलर पार्ट का है जो सेकेंड पार्ट पे यूज करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम,
सेकेंड जो है आपका वाई वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम पर सबसे संख्या है मास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ठीक। सेम इसमें क्या होगा, सपोज 10% वाई वॉल्यूम, दैट मीन्स वाई वॉल्यूम दैट मीन्स 10 mL सोल्यूट के फॉर्म हो गया, 100 - 10 = 90 mL सॉल्वेंट हो ठीक है। 10% वाई वॉल्यूम सेम पॉइंट इस तरह से इसमें यूज किया गया है, बाई मास वैसे ग्राम होगा ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगेन रिपीट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो पॉइंट्स सॉल्यूट है कितने अमाउंट में उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया, वह कंसेप्ट होता है हमारा कंसेंट्रेशन। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज फॉर्म एंड इट कैन बी बाय मास और बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, 10% सॉल्यूशन बाय मास दैट इज मास 10 ग्राम ठीक है, एंड सॉल्वेंट 100 - 10 = 90 ग्राम, जो भी आपको वैल्यू इस प्रोसेस को हम लोग फाइंड करेंगे ठीक है। तो ये आपका संग्रह होगा, इजी है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगे और आपको उसे करना होगा ठीक है। सिमिलर पार्ट क्या है, वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 200 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10% बाय वॉल्यूम दैट मीन 10 mL ऑफ सॉल्यूट एंड 100 - 10 = 90 mL सॉल्यूशन ठीक है। इस टाइप से है, कुछ मेथड्स भी है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स।